आफ्टर सम टाइम आपने शादी की? Yeah, after आप करियर में बिजी थे बहुत? Yeah, 24 I did my MBBS, I finished, I went to Karachi, then I acted. फिर 6-7 साल बाद जाके सख्त प्यार हो गया, शदीद. अच्छा. Yeah. सख्त वाला प्यार हो. सख्त, बिल्कुल तूफानी. इन्होंने नाम ही अपना रख लिया जिब्रान रांझा. मगर ये तूफानी क्या होता है? Like you know, just like दूसरे मुल्क की लड़की है और ले आओ इधर, मुल्क छुड़वा के सब कुछ, like that crazy. अच्छा. My wife is not from here. She's from London. अच्छा, तो आप family को issues थे कि यार वो वहाँ से आम नहीं नहीं ये लड़े भिड़े और फिर आ गई वो. अब जाके ऐसा हुआ है कि कहीं family ने कहा कि बेटे वो उनसे पूछना कि हमें लेके जा सकते हैं? एक बारी ते मोहब्बत च बॉर्डर क्रॉस करन लगे ते फड़े के तारा ना फस गए. बात सुने, वो सनी देओल नहीं है, वो भाभी लंदन से हैं. उन्होंने कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना? आपकी हुई हुई है शादी की थी? नहीं हुई हुई, ठीक है. तो आपकी तो कोई ऐसी कोई मजबूरी या कोई स्टोरी नहीं थी जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो? होगी, गीती आई है, शादी भी होगी इंशाल्लाह. मैरिज ब्यूरो में नहीं आई है, शो में आई है. अब वो असल जगह पे आ गई है क्योंकि दो बैचलर मिल गए ना. वाह वाह वाह, दो बैचलर मिल चुके हुए हैं. लेकिन सर मैं एक बात की बात कर रहा हूँ कि गीती आरा, आपका कोई अपना आरा है? गीती, इनको प्लीज मतलब बता दीजिए. इसका मतलब है खूबसूरत. आरा, आरा का मतलब खूबसूरत नहीं, गीती आरा का मतलब. गीती का मतलब तो आरा है. हम में से तो फिर कोई आरा नहीं है. मैं यही बताना चाह रहा हूँ, पूरा मतलब जो है गीती आरा का वो है खूबसूरत, खाली आरा जो है वो आपका मुंह है. जी क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और मेरा सर जिब्रान से सवाल है कि आपने इतने ड्रामे किए हैं, उनमें पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं और नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, तो आपको ज्यादा मजा किस में आया? नेगेटिव. क्यों नेगेटिव में ज्यादा मजा क्यों आता है? क्योंकि मोस्टली यू नो देयर इज अ लॉट टू डू इन नेगेटिव. पॉजिटिव बहुत लीनियर होते हैं. There is not much to do except a certain wavelength pe, you know. But negative, aajkal mostly jo drama hamara drive hota hai story, wo conflict se hota hai. Aur conflict jo hai wo negative character la raha hota hai. Magar ye aksar hame sunne ko milta hai yahan pe Jibran, magar kai baar aapko lagta nahi ki yaar ki kya baat hui ki jo ek positive lead hai uske character ke the shades kyun nahi hote? Nahi hote, negative bahut overpowering hota hai. Ab writers likh hi aise rahe hain. I don't know, ye to mera sawal to writer se hona chahiye. Nahi, magar ye actually mein mujhe lagta hai hamesha ki actors kyun enjoy karte hain negative wala role, because mujhe lagta hai hamare yahan pe jo positive characters hai uske shades hi nahi, wo bilkul seedha seedha bechara positive hota hai, which is very unbelievable. Kyunki positive insaan ke bhi shades hote hain, there is always grey, magar wo shades ko zara discover karna padta hai. To aapne drama kiya tha jisme kiryane wala role kiya tha, TV pe jo aap zulm karte the, fir aap is tarah ka koi? Nahi, waise do teen ऐसे करियाने वाले की, और जुल्म तो मैंने हर ड्रामे में किया बीवी पे. आई डोंट नो व्हिच आज is. फिर उन्होंने बीवियां दे सानू फोन आया, आज तड़को से बदला लेना है. ये जब आप करते हैं और उसके बाद इस तरह का कैरेक्टर घर जाते हैं, तो कोई आपको उलामा वगैरह सुनने को मिलता है? नहीं, वो एक्चुअली जो सच्ची बात है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, मैं बीच में एक ट्रेनिंग करने गया था इंडिया, बॉम्बे, 6 महीने की. तो एक एक्टिंग, ये लोगों को ना पता हो, ये आप कैसी ट्रेनिंग करने गए थे बॉम्बे? मतलब ये एक वो मेरी ऐसी चीज थी जो एक्टिंग कोर्स वगैरह करने, एक्टिंग कोर्स करने गए, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज सिखाई थी जिसको स्विच ऑफ स्विच ऑन बोलते हैं. बिल्कुल. सो जो सारा दिन हम, जैसे अब अगर मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता घर में आऊँ और वही ख्याल मेरे साथ घर में आए. ठीक है. सो वो आपको बताते हैं कि किस तरह आप शेड ऑफ करके जब वापस आते हैं तो आप न्यूट्रल होके आते हैं. ठीक है. और फिर वरना होता ही है कि वो रह जाता है आपके अंदर. आप तो कर लेते होंगे, मगर अब आपके घर पे आपके घर वाले देख रहे होते हैं आपको उस कैरेक्टर में, उन्होंने एपिसोड देखा है वो, बिकॉज दे, तो कभी उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये तुम्हारा कौन सा रंग है? ये तो हमने नहीं देखा, चाहे एक्टिंग कर रहे थे. लेकिन अच्छी बात ये कि मेरी बेगम को उर्दू बहुत ज्यादा नहीं आती थी, तो पहले तो मेरे ड्रामे देखती नहीं थी. ओहो, अच्छा, ये तो बचत हो गई. और मेरे बच्चों को भी नहीं समझ में आती ज्यादा, तो वो नहीं देखते. तो सच बात बताऊं तो मेरे जो मुलाजमीन है सिर्फ वो मेरे ड्रामे देखते, मेरे घर वाले नहीं देखते. फिर बाजी ने इंग्लिश से दस देने के, बाजी क्या कह रहे हैं आपने जिस तरह रोल किए हैं, नेगेटिव रोल आपने काफी ज्यादा किए, तो कभी ऐसा बाजार में गए हैं तो माइयां शुरू हो गई, तो जालम है, तो ये है वो है? एक आध बार हुआ था, वो थोड़ी पर्सनल हो गई थी. एक मॉल में आंटी आ गई थी, वो डांटना शुरू हो गई मुझे. अच्छा. मैं कहा आंटी मैं एक्ट कर रहा था, आप इतने अच्छे इतने पढ़े लिखे क्यों ऐसे रोल करते हैं आप? Welcome back to Gupshup. गीती आरा, ये बताएं आपको मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ था? मुझे शौक नहीं था, बस आ गई. कैसे आ गई? मतलब ऐसे कैसे आ जाती है? मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने शूट करवाना था, तो वहाँ पे अजीम सानी थे,
तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इस लड़की को पकड़ो, ये कौन है। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मैं इस फील्ड में। गीता जी कभी मॉडलिंग करते स्लिप हुई? अल्लाह का शुक्र है नहीं। एक्टिंग भी थोड़ी सी की जी, मगर फिर उसको उसको पसंद क्यों नहीं किया? मैं अच्छा प्रोजेक्ट देख रही थी कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले फिर उसको कंटिन्यू। और आपको कैसा प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट लगता है? मैं अच्छी टीम के साथ, अभी मतलब कोई अच्छा करेक्टर मिल जाए। आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में? कौन है आपके फेवरेट एक्टर्स या डायरेक्टर्स जो भी? प्लीज मेरा नाम लेना। लिटरली बाकी मैं अभी मैं इनका ना पिछले दिनों वो क्लिप देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो अभी एक ड्रामा आ रहा है इनका। मगर पूरा ड्रामा को देखा आपने इनका? पूरा उन्होंने आप नहीं कभी देखा। मगर नहीं मुझे बताया। और आपके कौन से एक्टर्स हैं ये तो चले साथ बैठे हुए हैं ना जिब्रान, इनको छोड़े। ये नहीं मैं कह रही हूं कि मैं इस स्टेज पे बैठी हुई आपका प्रोग्राम कर रही हूं, लेकिन मैंने आपकी मूवी देखी है जवानी फिर नहीं आनी। जी जी, वो मुझे बहुत अच्छा करेक्टर लगा। इन्हें तो शनाख्ती कार्ड देख के फिकाओगे वाकई नहीं आने। प्लीज मेरे अलावा किसी के बारे में बताइए। आपके अलावा आयजा खान। आयजा खान बेस्ट। आयजा का कौन सा ड्रामा आपको पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे जो सबको पता है कौन सा मेरे पास तुम। या थैंक यू सो मच, मैं भी यही कहना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं कहा देख के। दरअसल तुसी साडे कैप्टन है ना, वो कहते तुसी इधर से अंदाज दोगे। लेकिन आप इतनी प्यारी हैं गीति, मेरे पास तुम वो ड्रामा देखा तो आप सबकी आइडियल भी हैं, मेरी भी आइडियल है, आपको मैं पसंद भी करता हूँ एज ए मॉडल। तो आपको भी कोई है पसंद, कोई आइडियल है आपका भी जिंदगी में? नहीं, मेरी तो देख के आंखों में आंखें डाल यही पलक झपकाए बगैर नहीं। कोई आइडियल होता है किस तरह का? वैसे आइडियल हो तो कैसा आपकी जिंदगी में शख्स होना चाहिए जिसके साथ आप सारी जिंदगी में? कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। क्यों? हमने भी नहीं सोचा कभी। तुसी एक ब्रेक ले लो, दो मिनट है सोच लो। बाकी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। जैसे मुझे आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैं भी आपको वैसे लग रहा हूँ? नहीं। सर तुम मुबारक होवे, आज तुम्हारा भरा फिर रिजेक्ट हो गया। जी बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद थी। गीति, अक्सर देखा जाता है मॉडल्स फेमस होने के बाद ज्यादातर मूवीज में नजर आती हैं, ड्रामास में दोबारा से शूट्स नहीं करती हैं, क्यों? सबका अपना अपना होता है कि उन्होंने नहीं शूट करना, वो आगे एक्टिंग की तरफ जाती है। बेटर अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो मैं तो साथ में अपना मॉडलिंग भी कर रही हूँ और ड्रामा एक आधा स्टार्ट किया मैंने। जबरदस्त जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना जुबैर है और मेरा क्वेश्चन सर जिब्रान से है। सर, आप इतने अरसे से ड्रामास में हैं और आपने अभी एक फिल्म भी की है, तो आपका फिल्म का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है या ड्रामास का? फिल्म इज़ अनबिलीवेबल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ड्रामा इज़ गुड, हमारे मुल्क में ड्रामा बहुत बड़ा है, बट एज एन एक्टर जो आपको एक यू नो यू माइट अंडरस्टैंड, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख के मिलती है, वो नहीं मिलती टेलीविजन। लेकिन आपकी एक्टिंग और मेरी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं है। आपने भी एक फिल्म की, मैंने भी, आपको भी दूसरी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। ये बिल्कुल सही कह रहे। मेरी वाली के बाद जो है वो लोगों ने फिल्में बनाना ही छोड़ दी सबने। बताओ भाई क्यों नहीं बन रही फिल्म? नहीं, बीच में एक आया था टाइम ऐसा कि मूवीज बननी बंद हो गई थी, लेकिन अब स्टार्ट कर। नहीं नहीं, मैं यही तो कर रहा हूँ, कहाँ है भाई फिल्में, कहाँ है? अब लिखने वास्ते मैंने 3-4 फिल्में लिखी हैं। इन्होंने लिखी हुई है लेकिन वो बन क्यों नहीं रही? लय कोई नहीं ना रहना। यार तुम जो मेरे सर, आपकी डिमांड होती है ना कि मैं भी काम करूंगा, कोई करूंगा? ऐसी डिमांड नहीं की है। अच्छा, अगर मैं पैसे लगाऊं? हाँ। तो आप स्क्रिप्ट देंगे? नहीं। आप पैसे लगाएं इधर, स्क्रिप्ट मैं ले लूंगा, वो आपको नहीं देंगे, मुझे दे देंगे। बस जान लोगे आप, स्क्रिप्ट लिखें सर। अच्छा। लिखे पढ़े? लिखे नहीं, पढ़े नहीं, मुझे पता है। अच्छा जी, तो पैसे मैं लगाऊंगा, हीरो जिब्रान भाई हिरवन जो है गीति जी है, ठीक है, और हीरो की सिस्टर का रोल करेंगे मैं। मैं वही आ रहा था, आप किधर है? वैसे आप फिल्म करना चाहेंगी या ड्रामा? दोनों। नहीं, दोनों तो है, मगर अगर आपको एक चूज करने को मिले तो? तो आई थिंक मैं ड्रामा करना चाहूंगी। ड्रामा करना चाहेंगी, और कौन से एक्टर्स के साथ करना चाहेंगी? पहला ड्रामा है आपसे, डायरेक्टर कह रहे हैं गीति, आप बताएं कौन कौन से कास्ट आपकी, आप बताइए कौन हो उसमें? मैं ड्रामे का नाम देखती हूं। नहीं, मगर ले लो फवाद हमजा का नाम ले लो यार, सब ऑप्शन में। आपको टोटल आपकी कॉल है इस वक्त जिब्रान भाई है, वासे भाई आपका आइडियल कैसे लगा बैठा है? डेट्स देख लीजिए। हाँ, नहीं मेरी तो डेट्स फारिग है, मगर आप मुझे ना रखिए, मगर आप वैसे अपनी मर्जी से बताएं। जस्ट एक्टर्स यू वांट टू वर्क विद, एनीवन। एक्टर अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहे। नाम नहीं आ रहे, कोई नाम नहीं आ रहे। गूगल से हुमायूं सईद नहीं आ रहा, फवाद से आ रहा, हुमायूं सईद तो
क्या हुआ वो तो नहीं वो रिजेक्ट कर दी हूं हुमायूं सईद नहीं अदनान सिद्दीकी नहीं फहद हमारा चांस है फिर अदनान सिद्दीकी है नहीं रुक जाए अदनान सिद्दीकी आ रहा है सिग्नल हां अदनान सिद्दीकी को रख लें ठीक है अच्छा उसे रख ग्रेसफुल है हां अदनान सिद्दीकी ग्रेसफुल है लगता नहीं है अदनान सिद्दीकी ग्रेसफुल है हुमायूं सईद को हम नहीं रख रहे ठीक है अभी नहीं हुमायूं साहब सॉरी फवाद खान अदनान सिद्दीकी मेरे एज अ फादर आ सकते हैं यस अदनान सिद्दीकी एज अ फादर लो जी ओके अदनान भाई तो कैरेक्टर भी दे दिया और गीति जी ने नखरे करे बाचो जो तो फिल्म नहीं मिलती ते एंड दे कह रहे थे पर मैं शफका चीमा पा दे मैं रख लो